दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। डैनियल हबिन आईने प्रेजेंटेशन वो जो नीचे लाइन दी हुई ना पूरी खाली इसमें नहीं दिखा रहा। ओके नो प्रॉब्लम, और बताइए। ठीक है गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड लाइन वाला ही नहीं आया। हाँ हाँ कोई नहीं, अभी हम इसे डिस्कस, मुझे ही कराना था वैसे तो ये, ठीक है। कल टाइम कम था इसलिए वो करवा नहीं पाया था। सो गाइज, कल हमने क्या सीखा था? पार्टिसिप्स हुआ है, सलोनी आप बताइए मुझे, पार्टिसिप्स हुआ है होता क्या है, लगाते कब है? सलोनी यस सर, होता क्या है, लगाते कब है? पार्टिसिप्स हुआ है, होता क्या है और लगाते कब है, इसका रूल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री। वर्ब थ्री, ओके। सब्जेक्ट हैबन, अच्छा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यस वेरी गुड। ओके सब्जेक्ट हैबन ऑब्जेक्ट और वर्ब की थ्री थर्ड फॉर्म। ओके, कोई भी चीज जो रिसेंट पास्ट में हुई हो तो हम क्या लगाते हैं? पार्टिसिप्स वाई यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ये जो आपको करना था ना, ये ऊपर से देख के करना था आपको, सर मैंने किया है, मैंने सेंड करा है फोटो। ओके आप बता दीजिए लाइक वर्बली। दे आर प्रोफेसर हार्ट इमर नुअर नुअर गेरेडेट गेरेडेट। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट स्वाय डैनियल हार्ट आइना प्रेजेंटेशन गेमार्क प्रेजेंटेशन गेमार्क प्रेजेंटेशन गेमार्क नॉट गेमार्क गे प्लांट सर क्या गे गे प्लांट। गे प्लांट ओके सो गाइस, जो हार्ट लगाया वो कंजुगेट किसके अकॉर्डिंग हुआ है? सर एयर के अकॉर्डिंग हुआ है, मतलब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डैनियल के अकॉर्डिंग। यस ओके नेक्स्ट जेक्स स्टूडेंट लांग हार्ट गेलांड। बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें सलोनी? फर्स्ट वाला हार्ट तो निकला लेकिन दूसरे वाले में नहीं आ रहा। अब बाकी लास्ट वाला हो गया सलोनी, लास्ट वाले में सर एयर हबे आईने हबे क्यों लगे? वेट सलोनी, एयर के साथ कॉन्जुगेशन क्या लगती है? आप 10th चैप्टर कर रहे हो, हार्ट लगेगा सर हार्ट। हाँ यस एयर हार्ट आईना पाउजा, ये पाउजा क्या रे में आया गेम आप? आप देखिए आपका सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर आप कह रहे हो मेरे से नहीं आया। देखिए प्रेजेंटेशन के प्लांट ये रहा आंसर। ओके पिज़्ज़ा गी होल्ड सेक्ट उसके नीचे वाला ये रहा, ठीक है, और पाउज़ा गिमाक्ट ये रहा। यस बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें? एर हार्ट आईने पाउज़ा गिमाक्ट मीनिंग गाइस वेरी गुड। ओके नेक्स्ट सलोनी प्लीज रीड फियर आ। Yes, sir. So what does? Yes. So what does? Okay. आगे. नीचे. Yeah. In unique cafe was hot Tina. Gemacht was hot Daniel. Gemacht foreign sea und Creosen sie an. Meaning? In unique cafe. Yeah. What did Tina do? Done. What? Do or done? Mm-hmm. Gemacht. Done. What did Tina done? Yeah.
what did Daniel done yeah listen and mark okay so guys आपने सारे sentence read करे होंगे घर पर right yes sir Saloni yes sir okay सो गाइज आई विल प्ले द ऑडियो और आपको बताना है ये टीना ने करा है काम या डैनियल ने करा है ओके Okay, so guys, first audio, please listen it carefully. Hallo Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Ja, ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Und, war sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Nein. Heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet? Ja, heute früh. 3 Stunden in der Bäckerei. Oh, du arbeitest in einer Bäckerei? Macht das Spaß? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an. Aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo? Morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten. Arbeitest du auch neben dem Studium? Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Guys, should I play one more time? Yes, sir. Hallo Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Ja. Ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Und, war sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Nein, heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet? Ja, heute früh. 3 Stunden in der Bäckerei. Oh, du arbeitest in einer Bäckerei? Macht das Spaß? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an. Aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo? Morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten. Arbeitest du auch neben dem Studium? Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Guys, done? Yes, sir. Okay. So, first one, please tell answer. Sir, Tina, you're in seminar research. Okay, second one, Saloni. ये नहीं आया समझ. क्या नहीं आया? ये समझ में नहीं आया. दो तीन समझ नहीं आया. Okay, ये वाला समझ नहीं आया. ओके आई विल प्ले वन मोर टाइम एक बार हम आंसर मार्क कर लेते हैं ठीक है ताकि आपको थोड़ा सा आईडिया हो जाए थर्ड वन गाइस टीना डैनियल ओके
Einer Prüfung machen. Vier. Vier, Daniel. Vier आएगा आपका डैनियल. ओके. फुंफ. फुंफ सर नहीं हुआ. डैनियल. सिक्स्थ. डैनियल. सेवेंथ. जुबान पीना. ओके वेरी गुड. सो गाइस आई विल प्ले दिस ऑडियो वन मोर टाइम. हेलो डैनियल, तू बिस्ट या इमर नोह इन द उनी. Ja, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Ja, ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Und, war sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Nein. Heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet? Ja, heute früh. 3 Stunden in der Bäckerei. Oh, du arbeitest in einer Bäckerei? Macht das Spaß? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an. Aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo? Morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten. Arbeitest du auch neben dem Studium? Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Guys, dann? ओके या सो अभी हम आगे सीखते हैं या अंजलि प्लीज रीड बे वाज हैबेन द बाइडन गेमार्क या श्राइबन जी परग्लाइशन जीदान जूस वाइट मीनिंग व्हाट हैव द इन बोथ Both done, describe yeah. and compare yeah. To yeah. Bear. Very good. Okay. So, like, दोनों ने क्या करा है आपको बताना है. Guys, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. अगर verb के end में I E R E N आ रहा है इसका पार्टिसिप स्वाय मतलब इसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे आई ई आर ई एन को आप ई एन की जगह आप टी लगा दोगे क्या लगा दोगे टी सो फिर से एक बार ठीक है अगर ऐसी कोई वर्ब है जिसके एंडिंग में आई ई आर ई एन आ रहा है ठीक है इसका आपको वर्ब थ्री बनाना है वर्ब थ्री बनाने के लिए en को हटाकर आप क्या लगा दोगे t लगा दोगे t ओके सर ओके सलोनी आपको क्लियर हुआ सलोनी इज नॉट हियर नो प्रॉब्लम ओके सो या सलोनी आपको क्लियर हुआ पॉइंट सलोनी आर यू देयर क्लियर हुआ आई नहीं सर मैं क्लास देखो गई थी सर मैंने अभी नहीं देखा ओके देखिए अगर वर्ब के एंड में आपका ईएन आ रहा है ठीक है तो आप ईएन हटाकर क्या लगा दोगे टी लगा दोगे क्या लगा दोगे टी क्या बन जाएगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी जैसे रिसर्च ईएन मीनिंग रिसर्च टू रिसर्च तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा टीना हार्ट फ्यूर आइन जेमिनार रिसर्च यॉर्ड ओके आपने ई एन को हटाकर क्या लगा दिया टी लगा दिया yes, तो इसकी ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म ये गाइस शॉर्टकट है आपके लिए ठीक है जैसे रिसर्च ईयर है तो क्या हो गया रिसर्च यॉर्ड अगर टेलीफोन ईयर है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी
Telephone. Very good. Saloni. Studieren. इसका क्या होगा? होएगा. Studiert. Okay. और अगर last one. Yeah. Guys, आपको ऐसे ही sentence बनाने हैं. Sentence का rule क्या था? Subject plus haben plus object plus verb. जैसे या पहला सेंटेंस है फ्यूर आइन जेमिनार रिसर्च हियरन, किसने करा था ये? टीना ने. टीना, तो आप क्या लिखोगे? टीना हार्ट फ्यूर आइन जेमिनार रिसर्च हियर. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर. ओके, सो गाइस आप सारे सेंटेंस लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए. ओके ओके सर. यस
सब कर दिया सर। ओके ओके आई विल चेक। डैनियल वाले का फर्स्ट सेंटेंस आपका गलत है। ओके ओके नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस गलत है आपका डैनियल का। ओके टीना का थर्ड सेंटेंस गलत है। सेकंड सेंटेंस गलत है। ओके ये सही करिए। इनकी सारी थर्ड फॉर्म आप dic.cc में सर्च करिए तब लिखिए यहाँ पर। ओके सर डैनियल का फर्स्ट और कौन सा गलत था? फर्स्ट गलत है आपका, थर्ड गलत है। ओके और टीना का सेकंड एंड थर्ड? सेकंड एंड थर्ड। ओके सर। यस सलोनी। सर मैं पांचवी जाती हूँ। सलोनी फिर कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा। सर ये अर्जेंट कॉल आ रहा है। ओके गुटन टाग सर। गुटन टाग साजन। बड़ी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अब आप आए हो लेट आधे घंटे बाद। यस सर। आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से कवर अप करना हाँ, और बाकी जो अंजलि ने सेंटेंस सेंड करे उन्हें पढ़िए समझिए कल वाली ग्रामर के ऊपर है ठीक है। यस अभी इससे नीचे वाला मैं नया कौन सा बताऊंगा तो आप उसे समझना। हाँ ओके सर। यस सलमान आपने ये मेल क्यों नहीं लिखा है? सलमान बड़ी आप A2 में पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि मुझे सारे आंसर भेजने हैं उन्हें। सर मेल ने बहुत कोशिश करे लेकिन आई नहीं रही थी। बड़ी कोशिश करना। आपने लास्ट क्लास देखी? कौन सी लास्ट क्लास सर? लास्ट क्लास मिली नहीं? नहीं नहीं YouTube पर जाके देखिए जिस दिन आपने मिस करी है मैंने अपलोड कर दी है। नहीं नहीं सर वो मैंने आपसे मांगी थी आपने कहा था कि वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। नहीं 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 वो मुझे बाद में मिल गई थी मैंने रिकॉर्ड कर दी थी आप देखिए जाकर ठीक है। और बड़ी A2 आप कर नहीं पाओगे जब तक आप वो नहीं करोगे वो कोई भी उसमें। ओके तो उस वीडियो को देखिए और उसका आंसर मुझे भेजिए मुझे सबमिट करना है आंसर आपकी रिपोर्ट में। क्वेश्चन ठीक था सर बट वो अभी चेक नहीं करे बाकी मैं चेक करके बता दूं आप उसे करिए आंसर उसका ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ठीक है। बाकी अपने साथियों से भी बोल देना हाँ। यस सर। यस ये इमरान सिराज सब ने मिलके किसी ने ग्रुप मतलब बंक कर दिया आपने तो एक तरह से ये कोई नहीं करेगा ठीक है वो करना है। ठीक है सर मैं लिखता हूँ। सर कर दिया। अंजलि वेरी गुड अभी आपको समझ में आया ना? यस सर। ये कॉन्सेप्ट ओके। साजन एक बार आप ये अंजलि ने सेकंड फोटो भेजी है इसे खोलिए आप। यस सर। बड़ी देखिए कल हमने जो रूल सीखा था वो यही तो स्क्रीन पे देखिए। सब्जेक्ट हाबन प्लस वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है। तो यस सर।
इसमें क्या करोगे आप, जैसे लिख रहा है फर्स्ट सेंटेंस टीना हार्ट फ्यूराइन जेमिना रिसर्चियर, ओके, तो ये आपका सेंटेंस किसमें है, आपका पार्टिसिप स्वाय में है। इसका मीनिंग क्या हुआ गाइस? अंजलि एंड साजन, इसका मीनिंग क्या हुआ फर्स्ट सेंटेंस का जो आपने लिखा है टीना हार्ट? सर टीना हैड यस यूराइन यस सेमिनार रिसर्च टीना हैड टू रिसर्च अ सेमिनार फोर सेमिनार। वेरी गुड गाइस, जो पास्ट में हो चुका है टीना हैज रिसर्च फॉर द सेमिनार, ओके यस सर। नेक्स्ट टॉपिक फुल साजन प्लीज रीड फुल आप रीड करिए। बड़ी फाइव ए रीड करिए साजन मलिक। Was heart Daniel for them stadium? Yeah. Demax. Urenzi un Urenzi zoo. Meaning. What had Daniel for the stadium? Yeah. Demax meaning होता है done. क्या होता है? Dar. Done. Yes. आप ये पढ़ के नहीं आए हो क्या साजन? सर थोड़ा घर में एक्चुअली काम था तो स्टडी किया। ओके अंजलि आप रीड करिए। सर ये जो पॉइंट्स दिए हैं वो रीड करना है। आप हेडिंग रीड करिए ओनली। Was had to Daniel for them speed Studium gemacht Fiorenzi and Odense Zoo. What yeah. had Daniel done for the stadium? Listen and arrange. Okay. Then. So yes, guys, जो भी Daniel ने करा है वो आपको as a match the following करने हैं नीचे। आप सारे sentence read करिए, then I will play the audio clip. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, please read. Yes, sir. Okay, so guys, I will play the audio. 119. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so, wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach. Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je. Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen. Das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maya getroffen. Es war klar,
Ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. Und, ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau mache. Okay, guys, I will play one more time. Yes, sir. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so, wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach. Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je. Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen. Das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maya getroffen. Es war klar, ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. Und, ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau mache. Guys, done? Yes, sir. No, sir, मेरा नहीं हुआ. ओके बडी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं देन हम करेंगे ओके यस सर ओके सो फर्स्ट वन डैनियल हार्ट नाक दिया शूला डे और बाइट सर ये तो क्या यस सेकंड सर से आउ प्रॉब्लम के गिवन मीनिंग द बाय देयर आर बाइट है हार्स एंड प्रॉब्लम के By the work, he had to also problem going. Okay, dry. Daniel had to matter. Knees, sight, un heart, sign a friend of count. Gizel. Very good. A. Okay, fear. Dan had Daniel fear woken or love gay Norman. Very good. And fifth. Im or love had Daniel seine friend Maya getroffen. Okay, guys, I will play one more time. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so, wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach. Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je. Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen. Das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maya getroffen. Es war klar, ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. Und, ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau machen will. Guys, done? Yes, sir. Okay, great. गाइस देखिए अगर आपकी वर्ब इरेगुलर है ओके इरेगुलर वर्ब है जैसे फिंडन इसकी पार्टिसिप्स हुआ क्या होगा इसका गिफुंडन क्या होगा गिफुंडन ओके अगर त्रेफन है तो इसका पार्टिसिप्स हुआ क्या होगा गेट्रोफन गेट्रोफन ओके सो गाइस आपको ये चीज लाइक ध्यान रख के लगाना है जो भी वर्ब है आपको dic.cc से सर्च करनी है और उसे आपको याद भी करनी है और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको याद होगी ओके सो आपको क्या करना है अभी इसकी सारी इंफिनिटिव फॉर्म लिखनी है जैसे गेजेहेन है गेजेहेन मीनिंग टू सी टू सॉ ओके सॉ सॉ नॉट टू सॉ ओके
आपको इसका ना फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ज़ेहन, इन्फिनिटिव फॉर्म। ओके, बाकी बाकी की भी लिखनी है, देन हम डिस्कस करते हैं। सर सबकी लिखनी है? यस बड़ी, सबकी लिखनी है, ये फाइव तो ही है। यस बड़ी प्लीज डू। ओके या साजन डन? सर ओके हाँ यस सर। ओके गाइस, सो बे गित्रोफन टेरेफन रेफन रेफन मीनिंग गाइस टू मीट टू मीट। ओके साजन नेक्स्ट वन सर गिगेबन गिगेबन, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गेबन सर। गेबन मीनिंग क्या होता है इसका? गिव। वेरी गुड, नेक्स्ट अंजलि सर फाइंडन गिफुंडन गिफुंडन, उसका फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होता है फाइंडन फिंडन। वेरी गुड, उसका मीनिंग क्या होता है? फाइंड टू फाइंड। वेरी गुड गाइस, नेक्स्ट इज लास्ट वन गेनोमन नेमन नेमन। ओके नेमन मीनिंग क्या होता है? पिक टू पिक और यस। ओके नेमन मीनिंग नेमन टू टेक काइंड ऑफ यू कैन से। ओके सो गाइस आपको क्या करना है अब? आप सभी को फर्स्ट ये रीड करके आना है फुल पेज, ठीक है? पेज नंबर 120 आपको फुल पेज रीड करके आना है, ठीक है? सेकंड यूबुंग्स बुक से ओके सो गाइस आपको ये स्टार्टिंग से मतलब कंप्लीट ही करना है। फर्स्ट ए करना है आपको, सेकंड करना है दराय ए करना है, बी करना है, सी करना है, डी करना है,
फियर ए करना है, फियर बी करना है, फाइव ए करना है, फाइव बी तक आपको कंप्लीट करना है, पेज नंबर 128। इज इट क्लियर और नॉट? ओके सो गाइस दासे सालिस फ्योर होइटा फिरन डांग चेउस आउट। सर ये तो कल ही मिला था ना हम वक्त पेज 126 यूबिंस का। ठीक है, इसके बाद जो आज हमने करा है ना 128 तक आपको पूरा करना है जो भी पेंडिंग रह गया है। ओके ओके सर। ओके सर, यस प्लीज टेल सर, अगर वो वीडियो आपके पास पड़ी तो प्लीज सेंड कर दीजिए लास्ट क्लास के मतलब की। बड़ी मैंने ग्रुप में सेंड करिए, चेक करो आप। ओके सर।